देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा ने केंद्र और राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा है कि डेल्टा स्वरूप के मामले अब करीब 100 देशों में सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही उसने आगाह किया है कि आने वाले महीने में ये बेहद संक्रामक रोग पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे हावी स्वरूप बन जाएगा। देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस के अब तक करीब 76 मामले आ चुके हैं। इस स्वरूप से संक्रमण के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आए हैं। देश भर में 1113 नमूनों में से 109 लोग UK वेरिएंट से, 8 कापा स्ट्रेन से और 76 डेल्टा स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। भारत के 12 राज्य अब डेल्टा वेरिएंट की चपेट में हैं और यहां कुल मिलकर 76 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले जाने देश के किन किन राज्यों में फैला डेल्टा वेरिएंट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और अब हिमाचल में भी मामला सामने आया है। दुनिया के कई देशों ने कहा कि डेल्टा स्वरूप के कारण उनके यहाँ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इस स्वरूप के अन्य स्वरूपों के मुकाबले ज्यादा हावी होने और आगामी महीनों में सबसे अधिक प्रभावशाली स्वरूप बन जाने का अंदेशा है। हालांकि WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए आज के समय में जो कदम उठाए जाते हैं वो डेल्टा समेत वायरस के अन्य चिंताजनक स्वरूपों के खिलाफ भी प्रभावी हैं। आंकड़ों के मुताबिक अल्फा स्वरूप के मामले 172 देशों में, बीटा स्वरूप के मामले 120 देशों में, गामा स्वरूप के मामले 72 देशों में और डेल्टा स्वरूप के मामले 96 देशों में, जिनमें से 11 नए देश हैं, वह सामने आया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।